में कोरोना के 18 महीने के भयावह समय ने अच्छे अच्छे निजी स्कूलों पर ताले लगवा दिए और सरकारी स्कूलों में सन्नाटा पसरा है। ऐसे में जिला मुख्यालय का शासकीय मॉडल स्कूल अपने नाम को चरितार्थ करते हुए स्कूली शिक्षा के लिए मॉडल साबित हो रहा है। मॉडल स्कूल प्रबंधन ने न केवल अपने पुराने छात्र छात्राओं को वापस स्कूल से जोड़ा है, बल्कि स्कूल की स्ट्रेंथ में 30% से अधिक की वृद्धि भी कर ली है। वहीं प्रभारी प्राचार्य ने खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर मिसाल पेश की है। देखिए सीहोर से मृदुभाषी के लिए संजय धीमान की यह रिपोर्ट। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका स्कूल तो प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहा है, लेकिन क्या आपके बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं? सर, ये बात मुझे कहकर के बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे दो बच्चे हैं, एक बिटिया है। मेरी बिटिया ने अभी 12th पास इस साल ही किया है यहाँ से, फर्स्ट क्लास नंबरों से, और बेटे का एडमिशन 9th क्लास में भी करवाया है। तो मैं समझता हूँ कि जो परिवर्तन आप औरों में चाहते हैं, वो परिवर्तन आपको खुद लाना होगा। मैं कैसे कह सकता हूँ और लोगों को या और शिक्षकों कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए? वो शुरुआत मुझे करनी होगी, वो मैंने की है और कई लोगों को मैं बोलता हूँ। सो यू हैव टू बी द चेंज That you want to see in the world, और वो मैंने किया है। आप यहाँ खेल शिक्षक हैं, ये जो मॉडल स्कूल में यहाँ किस तरह सुविधाएं दी जा रही हैं, आपको नहीं लगता बच्चों को और मतलब कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है स्पोर्ट्स में? सर, जैसे कि हमारे स्कूल है गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। प्राइवेट स्कूल में भी इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं होगी जिस प्रकार की हमारे स्कूल में सुविधा है। जैसे चेस है, वेटलिफ्टिंग के लिए मैं सिखाता हूँ, पावर लिफ्टिंग सिखाता हूँ। मेरे आगे विद्यालय के 4-5 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, और इससे पहले जब मॉडल स्कूल एक्सलेंस में लगता था इंटरनेशनल बच्ची जा चुकी है। कम से कम अभी तक मॉडल स्कूल के 15-20 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं वेटलिफ्टिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।